नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, अगर आप भी पीएम किसान योजना यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जुड़े हुए लाभार्थी किसान हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि सरकार अब सभी किसानों का किसान कार्ड जारी करने जा रही है, जिसमें आपकी जितनी भी खेती होगी, जितने भी गाटा संख्या होंगे, जितने भी खाता संख्या होंगे, वो सभी लिंक होंगे। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर आपकी जो पीएम किसान योजना है, इसको भी किसान कार्ड से लिंक किया जाएगा। आपके आधार कार्ड को लिंक किया जाएगा, आपके मोबाइल नंबर को लिंक किया जाएगा, आपकी एक ईमेल आईडी को लिंक किया जाएगा, यानी आपका जो पूरा का पूरा डेटा है वो आपके किसान कार्ड में रजिस्टर हो जाएगा, एक रजिस्ट्री होगी। तो दोस्तों, इसका कार्य शुरू हो चुका है। पीएम किसान योजना की जो 19वीं किस्त जारी होनी है, उससे ठीक पहले सरकार ने यह कदम उठाया है और सरकार का कहना है कि यहां पर सभी किसानों का किसान कार्ड जारी किया जाएगा। इसके लिए सरकार गांव गांव कैंप करने जा रही है। 25 नवंबर से यह काम शुरू हो चुका है कैंपों का, और यह कैंप 31 दिसंबर 2024 तक गांव गांव में आयोजित किया जाएंगे। तो वहां पर राजस्व विभाग के कर्मचारी आकर के गांव के जो भी किसान होंगे, उनका किसान कार्ड जारी किया जाएगा। और दोस्तों, यहां पर इसमें साफ कहा गया है कि जो लोग इस कार्ड को नहीं बनवाएंगे, जिनके पास भी किसान कार्ड नहीं होगा, उनको पीएम किसान योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी अगर आपको पीएम किसान योजना का लाभ लेना है, आपको किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी लोन लेना है, या फिर आपने केसीसी लोन ले रखा है, उसकी आपको सब्सिडी प्राप्त करना है, साथ ही साथ आपको सरकारी खाद बीज की आवश्यकता है सब्सिडी पर, तो दोस्तों अगर आपके पास में किसान कार्ड है तो ही आपको इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। अदरवाइज अगर आपके पास किसान कार्ड नहीं है तो आपको इन योजनाओं के लाभ से वंचित रखा जाएगा, यानी यह माना जाएगा कि आप किसान नहीं है। जो भी किसान होंगे, अगर आप किसान के बेनिफिट चाहते हैं तो फिर आपके पास में किसान कार्ड होना चाहिए। अब दोस्तों, इसके लिए जो विज्ञप्ति है वो भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है। वैसे तो किसान कार्ड पूरे देश में बनाए जाएंगे, चूंकि केंद्र सरकार की स्कीम है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे पहले यहां पर पहल की है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इसकी विज्ञप्ति भी जारी कर दी है, और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना एक ऐप भी जारी कर दिया है। ऐप का नाम रखा गया है यूपी फार्मर रजिस्ट्री। जैसे ही आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, ये ऐप आपको मिल जाएगा। मैं लोगो आपको दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरह का ऐप है। इसे आपको डाउनलोड कर लेना है और साइन अप पर जा करके आपको यहाँ पर अपना आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है, अपना आधार नंबर डालना है, और इसे आपको वेरीफाई कर लेना है ओटीपी के माध्यम से। आप इस एप्लीकेशन में लॉग इन कर जाएंगे, उसके बाद आपकी सभी जरूरी डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाएंगी। हालांकि अभी ये ऐप जो है पूरी तरह से वर्क नहीं कर रहा है। सरकार ने इसकी एक वेबसाइट भी जारी की है, वो वेबसाइट भी अभी पूरी तरह से वर्क नहीं कर रही है, चूंकि 25 नवंबर को ही यह काम शुरू किया गया है। अभी आज 28 नवंबर है, 2 से 3 दिन हुए हैं, और दोस्तों अगले 2-4 दिन आप लोग वेट कर लीजिए। अगले 2-4 दिनों में ये वेबसाइट भी प्रॉपर वर्क करने लगेगी और ऐप भी प्रॉपर वर्क करने लगेगा। अभी उन्हीं लोगों का किसान कार्ड बन सकता है, यानी जो लोग अपने मोबाइल से बनाना चाहते हैं तो उन्हीं लोगों का बन सकता है जिनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर पंजीकृत है। क्योंकि आधार ओटीपी के माध्यम से आपको वेरीफाई करना होगा, तभी आप किसान कार्ड की इस वेबसाइट में रजिस्टर कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी बायोमेट्रिक का विकल्प या फिर फेस ऑथेंटिकेशन का विकल्प भी आएगा, इस स्कीम में जोड़ा जाएगा। क्योंकि सभी के आधार में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ नहीं है, और अगर जुड़ा हुआ भी है तो किसी का मोबाइल नंबर खो चुका है, गुम हो चुका है, चोरी हो चुका है, या बंद हो चुका है, रिचार्ज नहीं है, बहुत सारी स्थितियां हैं जिससे लोग आधार ओटीपी से ही इस काम को नहीं कर पाएंगे। इसलिए सरकार को जल्द से जल्द इन विकल्पों को भी खोलना होगा। जब आप इस ऐप में जाएंगे तो यहाँ पर आपको फेस ऑथेंटिकेशन का भी विकल्प दिखता है, लेकिन अभी ये वर्क नहीं कर रहा है। इसके साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया है कि आप अपने नजदीकी लोकवाणी केंद्र सीएससी सेंटर में जाकर के भी अपनी इस किसान कार्ड को बनवा सकते हैं, लेकिन वहां पर बायोमेट्रिक का विकल्प होना चाहिए। तो जल्द ही सरकार बायोमेट्रिक के विकल्प को भी ओपन कर देगी। तो कुल मिलाकर के जो किसान कार्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना गया है, ये सभी किसानों के पास होना ही चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है, इसमें साफ लिखा गया है, जो विज्ञप्ति उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी की है, इसमें साफ लिखा गया है कि अगर आपको पीएम किसान योजना का लाभ लेना है या फिर आपको किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ लेना है, तो दोस्तों आपको किसान कार्ड बनवाना ही होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 19वीं किस्त जारी होने से पहले सभी किसानों को किसान कार्ड बनवाना होगा। अदरवाइज जो किसान कार्ड बनवा लेंगे, उन्हें पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त मिलेगी। जो किसान नहीं बनवाएंगे, शायद उनकी यहां पर 19वीं किस्त रोक दी जाए। तो कुल मिलाकर के जैसे ही आपके गांव में कैंप लगता है, आप अपना किसान कार्ड अवश्य बनवा लीजिए। उसमें आपका सभी जरूरी डाटा हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपका डिजिटल डाटा रहेगा। तो दोस्तों होगा क्या कि जब आप बैंक में केसीसी वगैरह के लिए आवेदन करेंगे, तो वहां पर बैंक आपसे इंतखाब, खतौनी, खसरा इनकी मांग नहीं करेगा, क्योंकि उसमें सब कुछ दिख जाएगा। जैसे ही आपका आधार नंबर डालेंगे तो वहां पर सब कुछ दिख जाएगा, आपके पास में कितनी खेती है, कितनी बंजर है, कितनी में आप लोग खेती पाती का काम करते हैं, इसके साथ ही साथ आपने कितनी खाद बीज इस वर्ष में लिया है, आपको पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है,
ये सारी चीजें वहां पर दिख जाएंगी। तो किसान कार्ड एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज है जो कि सरकार तैयार करने जा रही है और इसे बहुत ही जल्द गांव गांव में कैंप करके, उससे तो सरकार ने विज्ञप्ति में कहा है कि 25 नवंबर से 31 दिसंबर तक गांव गांव में कैंप किए जाएंगे। हो सकता है एक दो दिन में आपके गाँव में कैंप लग जाए और वहां पर आप लोग अपना किसान कार्ड बनवा लीजिए। अगर वहां से आप लोग नहीं बनवा पाते हैं तो आप लोग अपने मोबाइल के माध्यम से जो यूपी फार्मर रजिस्ट्री ऐप है इसे डाउनलोड कर लीजिए, इसके माध्यम से बना लीजिए। चूंकि अभी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, इसकी वेबसाइट भी सरकार ने जारी कर दी है, उसका भी लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो वहां से जाकर के या हमारे आप टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो वहां पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वेबसाइट का भी लिंक दे देंगे और इस प्ले स्टोर पर जो ऐप है यूपी फार्मर रजिस्ट्री का, इसका भी लिंक हम आपको वही दे देंगे। तो वहां से जाकर के आप लोग इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और आप लोग घर बैठे अपना ये किसान कार्ड बना सकते हैं। हाँ, अभी चूंकि प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा तो इसलिए मैंने इस पर प्रॉपर वीडियो नहीं बनाया है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका एक ट्यूटोरियल बना दूंगा कि किस तरह से आप लोग घर बैठे किसान कार्ड बना सकते हैं, किस तरह से फार्मर रजिस्ट्री में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकान को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।